वॉलेट। सजना थैंक यू। अब मेरी तरफ देखने में भी प्रॉब्लम है क्या? ऐसी बात नहीं है युग। गौरी के बारे में सोच सोच कर बुरा फील हो रहा है। एक ऐसी लड़की के लिए क्यों अपना दिल दुखा रही हो जिसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है? परवाह है युग। 14 साल तक जब बड़के पापा जेल में थे, मंजी माँ की कोई खबर नहीं थी। ताई जी ने जब हमें इतना टॉर्चर किया था और मैड मामा ताने सुनाती थी, तब एक गौरी हमारा सहारा थी। जब हमारे पाँव पर चोट लग जाती थी तो गौरी आकर हमें दवा देती थी। हम मानते गौरी से गलती हुई है, पर उसमें दोष सिर्फ उसका नहीं है। ताई जी ने उसकी परवरिश ही ऐसी की कि वो उनका मकसद पूरा करने में उनकी हेल्प करने लगी। पर आज उसे अपने किए पर पछतावा है युग। ऐसे में हमें उसे एक मौका तो देना होगा ना, जिससे वो अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हो। प्लीज एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई काला साया दादी को परेशान कर रहा है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बस ठीक उसी तरह मुझे गौरी पे भरोसा नहीं है। जिस इंसान की फितरत में गद्दारी हो ना, वो कभी किसी का भला सोच ही नहीं सकता। वही तो हम आपको समझा रहे युग। गौरी की फितरत ऐसी नहीं है। वो बाहर से भले ही ऐसी दिखती हो, पर वो अंदर से बहुत अच्छी है। आपने देखा ना, बड़के पापा ने कैसे अंधविश्वास का रास्ता आखिरकार छोड़ दिया ना, सेम वैसे ही गौरी भी सुधर जाएगी। बस करी। ऐसा लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा है। चलो ये भी ठीक है। गौरी भी इस घर में है और मैं भी। देखते हैं कि वो कब अच्छाई के रास्ते पे चलती है। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, listen to me, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो listen to me, damn it, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना। बस वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजनी बिटिया, नहीं थोड़ा संयम से काम लेना। काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। हमारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?